हेलो सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम फिर एक मैथ का मजेदार वीडियो लेके आ गए हैं। जी हाँ, आप सबके कहने पर एक मजेदार वीडियो आ गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मतलब इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं ना इस प्रकार से, जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या होता है कि बस क्वेश्चन देख के ना उस क्वेश्चन से दूर भागने का मन करता है। क्वेश्चन देखा, हाँ भाई क्वेश्चन बढ़िया है, बट आ नहीं रहा है। लोग एग्जाम देने यही करने जाते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन आया नहीं। अरे यार, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे लेकिन लगा नहीं। मैं तीन ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब जब पूछ लेगा तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करोगे तो नंबर जाएगा। देखिए, आज मैं तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4, अबे काउंटिंग नंबर की तरह है, लगातार नंबर है, इनफाइनाइट तक है। ऐसे जब नंबर रहते हैं इनफाइनाइट तक, ऐसे नंबर दे दिया यहाँ तक, यहाँ से मैंने लिख दिया है लिमिट की 2000 तक है। क्या आप 2000 तक नंबर ऐड करेंगे? 2 1 3 3 3 6 6 4 10, विल यू डू इट? नहीं, आप नहीं कर सकते भाई। कब तक करोगे? जब तक तुम यहाँ तक करोगे ना, जब तक आप 2000 तक करेंगे ना, तब तक आपका पेपर ना हो चुका होगा, टाइम नहीं रहेगा। मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई टाइम नहीं रहता है कि ये मतलब इतने समय में कर लिया। मतलब क्या, जितना समय मैं बचा लूं किस में, उस अपने एग्जाम में। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ता है। तो इसी बात को देखते हुए ना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रिक सोचिए कैसे, क्या इसमें हो सकता है। अब जब लगातार होगा तो मतलब कुछ तो होगा। अब इसमें स्क्वायरिंग हो गई है, सबका स्क्वायर आ गया है। अब इसमें क्यूब आ गया है, सबका क्यूब हो गया है। इन्हीं क्वेश्चन को चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं बहुत अच्छे से। एक फॉर्मूला भी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसानी से फटाक से कर लेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि ये नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा नीचे, एक क्यूब वाला आ जाएगा, तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर 10 तक रहता है तो आसानी से आप ऐड करके लिख सकते थे, बट यहाँ तक लिमिट नहीं है भैया। अगर यहाँ तक देखिए 2000 तक है, 2000 तक ऐड कर ही नहीं सकते। तो इसी बात को यहाँ पे आज इस तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला भी है उसी के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, सब देख लेते हैं इन तीनों क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में पूछ लेता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में दे देगा, और ज्यादातर पूछता है, इसीलिए इस पे वीडियो बनाना मैं उचित समझाऊं। अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इन तीनों के लिए तीन फॉर्मूले हैं, स्क्वायरिंग के लिए, क्यूब के लिए और बिना स्क्वायरिंग क्यूब के लिए। सिंपल वाले के लिए एक फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू 1/2 एंड एन प्लस 1। अभी एन क्या है बताता हूँ, पहले फॉर्मूला समझो। सेकेंड के लिए है एन इज इक्वल टू 1/6 एंड एन प्लस 1, फिर 2n+1। फिर थर्ड के लिए मतलब क्यूब के लिए है एन इज इक्वल टू 1/n एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है। तो अपन को समझना क्या है, जो ये n है, n क्या है? n जो है आपका नेचुरल नंबर है, जो हमको फाइंड करना है इनका सम जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और वही हमको पता करना है। तो n देखिए, अभी n यहाँ पे जो है, अब बोल यहाँ पे बात आ गई, भाई मैं यहाँ पे क्या रखूं कि जो इतना बड़ा नंबर रखा है, इसमें से कौन से किस नंबर को उठा के यहाँ पे पुट करूं, दैट्स अ प्रॉब्लम। अब समझिएगा, यहाँ से इसको n की जगह उस नंबर को रखना है जहां तक इसकी लिमिट है। इसकी लिमिट कहाँ तक है? 2000 तक है। उस 2000 को मुझे यहाँ पे पुट करना होगा n की जगह पे। 2000 को नाउ पुट करके मैं अगर यहाँ सिर्फ 4 तक ही ले लूं, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गया। इसको याद रखिएगा, 10 हुआ है। अब इसी चीज को इससे हम फाइंड करके देखते हैं कि आखिर 10 आता है कि नहीं, इट्स वर्किंग और नॉट, मतलब ये फॉर्मूला क्या बोलता है। तो 1/2 n मतलब आखिरी नंबर, इसकी लिमिट कहाँ थी, इतने की लिमिट कहाँ तक थी, 4 तक, 4 इसका लास्ट था, जितना दिया रहेगा लास्ट में वही रहेगा, तो 4 लास्ट है, तो 4 को यहाँ पे लिखना, into 4 1 4 1 5 5 2 2 4 2 into 5 is equal to 10। तो 10 आ गया। अब इसकी बात करते हैं स्क्वायरिंग की, ये स्क्वायर वाला है,
ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाले को समझते हैं। तो स्क्वायर वाले को यहाँ थ्री तक ले लेते हैं, इसका देख लेते हैं वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस टू का स्क्वायर कितना, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट होता है, एट होता है, चलिए ठीक है। अब थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 27 होता है, सॉरी ये थ्री का स्क्वायर मैंने क्यूब कर दिया, सॉरी गलती हुई, ये वन का स्क्वायर हो गया वन, टू का स्क्वायर हो गया फोर, थ्री का स्क्वायर हो गया आपका थ्री, थ्री जा सिक्स। अब इसको ऐड कर लेते हैं, फोर वन फाइव, फाइव सिक्स इलेवन, फाइव सिक्स इलेवन आ गया। तो चलिए इसके इसके जरिए हम निकालते हैं उसको, वन बाई सिक्स लिमिट कहाँ तक थी, लिमिट थी थ्री तक, तो थ्री को लिख लेते हैं इंटू थ्री। अब देखिए थ्री और वन कितना हो जाएगा, इंटू फोर, थ्री वन फोर हो जाएगा ना, थ्री यहाँ लिमिट थ्री है तो थ्री प्लस वन फोर। अब देखिए इंटू थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, थ्री टू जा सिक्स आ गया। इसको देखिए टू टू जा फोर, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन टू जा फोर्टीन आया। अब यहाँ पे 14 इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, थ्री थ्री जा नाइन होगा, यहाँ पे मैंने सॉरी मिस्टेक से सिक्स लिख दिया, फोर वन फाइव, फाइव वन फोर्टी, तो यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। सो बाई मिस्टेक मैं लिख दिया हूँ, उसके लिए उसको छोड़िए, हो जाता है बताते समय गलतियां हो जाती हैं। सो ये 14 आया और यहाँ भी 14 आ गया, मतलब क्या, हाँ इसके जरिए हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा नंबर रहे हम लिख के आसानी से निकाल देंगे, अपना टाइम बचा लेंगे, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड बोल रहा है वन क्यू टू क्यू सबके क्यू बोला है। अब थर्ड के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब थर्ड का देखिएगा, अब इसका भी यहीं तक ले लेते हैं, थ्री तक ही ले लेते हैं क्योंकि इजी होगा सॉल्व करना, तो थ्री तक लेंगे तो वन का क्यूब वन हो गया, टू का क्यूब एट हो गया, प्लस ट्वेंटी थ्री का क्यूब 27 हो गया। अब इसका इसको ऐड करते हैं, आखिर ये क्या होता है, एट वन नाइन हो गया, एट वन नाइन हो गया, अब इसमें ऐड कर देते हैं, नाइन सेवन सिक्स हो गया और ये 36 हो गया। सो आपका 36 आया है हमको ऐड करने पे, तो चलिए इसके जरिए पता करते हैं। अब ये सेम इसी का था, इसको मैंने जो देखा था इसी का था, बट स्क्वायर हो गया है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ पे इसी का स्क्वायर कर दिया गया। तो नंबर लिख लेते हैं, वन बाई टू इंटू मेरा लिमिट कहाँ तक था, थ्री तक ही मैंने किया है, थ्री ब्रैकेट में थ्री प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा, थ्री वन इंटू फोर हो जाएगा। अब देखिए टू टू जा फोर, ये सब स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर, थ्री थ्री जा थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो जो मेरा यहाँ से 36 आया, यहाँ भी 36 है, मतलब क्या, ये जो फॉर्मूला है इसके जरिए और इसके जरिए, इन तीनों के जरिए हम ऐसे प्रॉब्लम को बहुत जल्दी और बहुत कम समय में, मात्र बोले ना तो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आई गारंटी यू 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनफाइनाइट तक बोला रहेगा या एन डिजिट तक बोला रहे, एन तक बोला रहे, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको करना है, इस फॉर्मूले को यूज याद कर लीजिए, पहले के लिए रहेगा वन बाई टू एंड एन प्लस वन, फिर स्क्वायर रहेगा तो वन बाई सिक्स एंड एन एन प्लस वन, फिर टू एन प्लस वन, और थर्ड के लिए रहेगा मतलब क्यूब के लिए रहेगा वही पहले का स्क्वायर हो जाएगा, वन बाई टू एंड एन प्लस वन, वन बाई टू एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर। सो यही थे पांच ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो भाई नहीं आता, अब कैसे करें इतना बड़ा, कौन करेगा इतना, कौन ऐड करेगा, उसी चीज को बोलते हैं कि आखिर चलो कोई बात नहीं, उतना बड़ा था छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, कौन ऐड करेगा, बहुत से लोग होंगे नहीं किए होंगे, ये जो बात है ना बहुत से लोग होंगे कि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं कि नहीं किए होंगे, इस बात को दिमाग से हटा दो, अरे उनका क्या देखना भाई, अपना देखो, मैं नहीं कर पाया क्यों नहीं, आखिर ऐसा क्या है, साथ तो मैं भी पढ़ रहा हूँ क्यों नहीं कर पाया, उस चीज को ध्यान में रखो। सो आई होप डेट वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ही मैथ, हिस्ट्री,
हिंदी और सॉरी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व होती है और हिंदी इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन चलती है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर प्रकार की वीडियो से अपडेट होने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सो ये है मेरा रामगीत अकेडमी चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बन जाइए हमारे साथ। राम का नाम लेके पढ़ेंगे और इंग्लिश की मुट्ठी में हम लेंगे। सो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, टेक केयर, सी यू सून।